भारत का चांद मिशन चंद्रयान 3 स्टेप बाय स्टेप चांद की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले 17 अगस्त को विक्रम लैंडर को अलग करने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद के आसमान पर घूम रहा है। विक्रम अकेले ही चांद को चूमने के लिए बढ़ रहा है। इसरो ने भारतीय यान की लैंडिंग से पहले के सारे चरण लगभग पूरे कर लिए हैं। विक्रम की चांद की सतह से दूरी अब महज 25 किलोमीटर रह गई है। दूसरी ओर सोवियत रूस से अलग होने के बाद रूस को अपने पहले चंद्रमा मिशन में झटका लगा है। आपको बता दें, रूसी अंतरिक्ष यान लूना 25 प्री लैंडिंग कक्षा में प्रवेश करने की कोशिश में विफल हो गया। क्या चंद्रयान 3 पर भी ऐसा कुछ असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं। शनिवार देर शाम को मिली जानकारी के मुताबिक रूसी अंतरिक्ष यान की असफलता के कारणों का हालांकि पता नहीं लग पाया है, लेकिन अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस ने अभी यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि क्या उसका चांद मिशन फेल हो गया है या फिर वह इसी यान से अगली कोशिश की तैयारी कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के लगभग एक महीने बाद 10 अगस्त को लॉन्च किया गया रूसी यान लून 25-21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने के दौर में शामिल था। हालांकि इससे पहले 19 अगस्त की रात रूस ने एक असामान्य स्थिति की सूचना दी। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस ने जानकारी दी कि अपने निर्धारित पूर्व लैंडिंग चंद्र कक्षा में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए उसके यान में कुछ दिक्कत महसूस हुई, जिस कारण उसका प्री लैंडिंग प्रयास असफल रहा। रोस्कोसमोस ने एक टेलीग्राम पोस्ट में कहा, श्री लैंडिंग ऑपरेशन के दौरान स्वचालित स्टेशन पर एक असामान्य स्थिति उत्पन्न थी, जिसमें निर्दिष्ट मापदंडों के साथ उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। रोस्कोसमोस ने कहा कि उसकी टीम स्थिति का विश्लेषण कर रही है। एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार चंद्रमा मिशन से प्राप्त प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक उसे चांद की मिट्टी के रासायनिक तत्वों के बारे में जानकारी थी और इसके उपकरण ने सूक्ष्म उल्कापिंड प्रभाव दर्ज किया था। लूना 25 के 21 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करने की उम्मीद थी। यह तुरंत स्पष्ट नहीं है कि योजना अभी भी कायम है या नहीं। रोस्कोसमोस ने यह भी स्पष्ट किया है कि क्या यह घटना लूना 25 को लैंडिंग करने से रोकेगी या नहीं। अभी तक केवल 3 देश सफल चंद्रमा लैंडिंग में कामयाब रहे हैं, पूर्ववर्ती सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। भारत और रूस अब चंद्रमा मिशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने वाले देशों के बीच एक अत्यधिक प्रतिष्ठित लक्ष्य है। सोवियत रूस से अलग होने के बाद रूस ने 50 वर्षों में पहली बार चांद मिशन शुरू किया है। चंद्रयान 3 उम्मीद के मुताबिक चांद की तरफ लगातार बढ़ रहा है। रविवार तड़के जब पूरा देश नींद के आगोश में था तो विक्रम की चांद की सतह से दूरी महज 25 किलोमीटर रह गई थी। भारतीय यान की चांद से यह सबसे कम दूरी है। इसरो ने उम्मीद लगाई है कि 23 अगस्त की शाम 5:47 तक सॉफ्ट लैंडिंग कर सकेगा। गौरतलब है कि 2019 में लॉन्च किया गया भारत का चंद्रयान 2 आंशिक रूप से सफल रहा था, क्योंकि लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के प्रयास में चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसका इसरो से संपर्क टूट गया था। यान का रोवर पूरी तरह से संचलित होने में असमर्थ हो गया। हालांकि ऑर्बिटर चालू है और वह अभी बहुमूल्य डेटा धरती पर वापस भेज रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम न्यूज़ अपडेट के लिए जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।